दोस्तों क्या होगा जब एक साइड पर हो नेपाल जैसा कंट्री और दूसरी साइड पर हो बांग्लादेश और इन दोनों कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन कर दिया जाए तो कौन सा कंट्री होगा इस कंपैरिजन बैटल का विनर। तो नेपाल वाले भाई वीडियो को लाइक करना एंड बांग्लादेश वाले कमेंट करना, लेट्स सी कौन जीतेगा। तो गाइस आज हम इन दोनों कंट्रीज के बीच में एरिया से लेकर जीडीपी एंड एजुकेशन से लेकर बीजीएस एयरपोर्ट जैसे 10 से भी ज्यादा फैक्टर्स के बेसमेंट पर कंपैरिजन देखेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो गाइस यार बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों का देश मतलब कि बांग्लादेश जो कि इंडिया का ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री है, यह कंट्री साउथ एशिया में बे ऑफ बंगाल में स्थित दुनिया का एक डेवलपिंग कंट्री है। बांग्लादेश में जमुना, पद्मा, तीस्ता, सूरमा, मेघना जैसी नदियों का जाल बिछा होने के कारण इसे नदियों का देश भी कहा जाता है। बांग्लादेश का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है दोस्तों। इसके बाद नेपाल की बात करें तो नेपाल को वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट में इंडिया से जबकि नॉर्थ में चाइना से घिरा होने के कारण एक बफर स्टेट कहा जाता है। गाइस यहाँ बांग्लादेश में नदियां ही नदियां हैं, वहीं नेपाल में आपको पहाड़ियां ही पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा एंड गौरी शंकर नेपाल की कुछ फेमस पीक्स है। नेपाल का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। तो दोस्तों यह थे इन दोनों ही कंट्रीज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब अपने कंपैरिजन की शुरुआत एरिया के साथ में करते हैं। तो बांग्लादेश का लैंड एरिया 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर्स की लैंड पर फैला है और यह वर्ल्ड का 94th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। नेपाल की बात करें तो इस कंट्री का एरिया 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर्स है और बांग्लादेश के बाद वर्ल्ड का 95th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया का पहला पॉइंट मिलेगा बांग्लादेश को। अगर गाइस बात की जाए पॉपुलेशन की तो जहाँ बांग्लादेश की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 17 करोड़ की है, वहीं नेपाल की पॉपुलेशन ओनली 3 करोड़ की है। आपको बता दूं बांग्लादेश वर्ल्ड का 8th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है जबकि नेपाल की पॉपुलेशन रैंक पूरे वर्ल्ड में 49th है। तो पॉपुलेशन का दूसरा पॉइंट फिर से बांग्लादेश को मिलेगा एंड स्कोर होता है 2-0। बांग्लादेश की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है ढाका एंड दूसरी मेजर सिटीज में चिटागोंग, खुलना, नारायणगंज, मैमनसिंह, रंगपुर एंड सिलेट सिटी का नाम आता है। नेपाल की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी का नाम है काठमांडू जबकि दूसरी मेजर सिटीज में पोखरा, ललितपुर, विराटनगर, वीरगंज, इटाहारी, जनकपुर, भरतपुर एंड हेटौडा सिटी का नाम आता है। तो गाइस यह पॉइंट किसी भी कंट्री को नहीं मिलेगा। दोस्तों बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगला एंड मेजर एलिजन इस्लाम है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 8 सब डिविजन। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली, मेजर रिलीजन हिंदुइज्म जबकि नेपाल में टोटली 7 प्रोविंसेस आते हैं। तो सब डिविजन का पॉइंट बांग्लादेश को एंड स्कोर होता है 3-0। गाइस यहाँ बांग्लादेश की पीएम मिसेस शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट मिस्टर साहबुद्दीन चुपू है। वही नेपाल के पीएम मिस्टर पुष्प कमल दहाल एंड प्रेसिडेंट मिस्टर रामचंद्र पौड़ेल है। तो यह पॉइंट किसी भी कंट्री को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आइए अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात की जाए मतलब कि इकोनॉमी की। तो बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी 2023 में 449 बिलियन डॉलर्स की है और यह वर्ल्ड की 35th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नेपाल की नॉमिनल जीडीपी 2023 में ओनली 45 बिलियन डॉलर्स की है जिसकी जीडीपी रैंक पूरे वर्ल्ड में 101 है। तो यह पॉइंट बांग्लादेश को। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो बांग्लादेश का पर कैपिटा 2641 US डॉलर्स का है जबकि नेपाल का ओनली 1500 US डॉलर का। तो पॉइंट फिर से बांग्लादेश को एंड स्कोर होता है 5-0। गाइस करेंसी को देखा जाए तो जहां बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका, वहीं नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी एंड 1 बांग्लादेशी टका 1.23 नेपाली रूपीज के इक्वल होता है। तो स्ट्रॉन्ग करेंसी का पॉइंट फिर से बांग्लादेश को एंड स्कोर होता है 6 पॉइंट्स पर बांग्लादेश एंड 9 पॉइंट फॉर नेपाल। नंबर ऑफ पैसेंजर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में 8 एयरपोर्ट्स हैं, वहीं नेपाल में 22। तो नेपाल यहां पर अपना खाता खोलता है एंड स्कोर होता है 6-1। अगर गाइस बात की जाए कुछ फेमस टूरिस्ट साइट्स की तो बांग्लादेश में आप कॉक्सिस बाजार बीच, सोनार गांव, नेशनल पार्लियामेंट हाउस, एहसान मंजिल, सेंट मार्टिन आइलैंड, लालबाग फोर्ट, शाहिद मीनार एंड लिबरेशन वॉर म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं। वहीं नेपाल में आप फेवा ताल, पोखरा, सरंगकोट, पून हिल, माउंट एवरेस्ट, काठमांडू वैली,
लुम्बिनी, सागरमाथा नेशनल पार्क, धरान एंड कीर्तिपुर को विजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब लास्टली कुछ दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो बांग्लादेश का लिटरेसी रेट है 76%, वहीं नेपाल का लिटरेसी रेट 75% का है। बांग्लादेश में जहां पॉवर्टी रेट 18% का है, वहीं नेपाल में पॉवर्टी रेट 13.8% का है। तो स्कोर होता है 7 points फॉर बांग्लादेश एंड 2 points फॉर नेपाल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 years की है, जबकि नेपाल की ओनली 72 years की। गाइस यहाँ बांग्लादेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% का है, वहीं नेपाल का ओनली 5% का। तो यह पॉइंट नेपाल को एंड स्कोर होता है 83। गाइस लास्टली अब देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिविल राइट्स, क्लाइमेट एंड करप्शन इंडेक्स के 4 points नेपाल को मिलेंगे, जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड डेवलपमेंट के 3 points बांग्लादेश को मिलेंगे। तो फाइनल स्कोर होता है 11 points पर बांग्लादेश एंड ओनली 7 points पर नेपाल, एंड द विनर इज बांग्लादेश। तो गाइज आज के इस वीडियो में सिर्फ नहीं, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलूंगा दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।